नाम फिजा है, मेरा नाम तारों से होंगे हम कलाम शो है आपका अपना, तारों से करें बातें। अल्लाह मैं कहती कितने फख्र से हूँ तारों से करें बातें, मगर जैसे ही मेरा मुंह उधर होता है मैं आप लोग की शक्लें देखती हूँ तो दिल करता बोल दूँ बाबों से करें बातें। आपको पता है जो मेरे आज के मेहमान है ना उनको मैंने बारो बुलाया, बारो बारो के समझ आ रही है या नहीं? बारो है या गेट तो बारो? अरे नहीं बारो मतलब बारो मुल्को बुलाया है। अच्छा ब्रॉड तो? ब्रॉड तो पेरिस तो। ओ तेरे को त्यावर रखे था किराया नहीं होता तू किन्नू बुला लिया? जो मेरे आज के मेहमान है ना वो एक फेमस इंटरनेशनल डिजाइनर है और साथ साथ एक कामयाब बिजनेसमैन भी है। तशरीफ लाते हैं महमूद भट्टी साहब। Well, fine. Thank you very much. हमेशा की तरह जैसे ही आपको देखते हैं तो एक वो ब्रांडेड लुक, वो क्लास, वो एलिगेंसी, वो सब एकदम से आपके सामने यू नो दिखाई देना शुरू कर देती है। You looking charming. Oh, thank you very much. जब आदमी फैशन करता है ना तो खुद भी फैशन करना चाहिए। हाँ बात तो सही है। अगर अपना जिस्म सेट नहीं करेगा, चीजें सेट नहीं करेगा, फिर फैशन नहीं करता। क्या बात है, समझ आई। इंसान जब खुद फैशन करता है तो दूसरे को फैशन सिखाता है। हाले भी नहीं समझ आई। पूरी सीखी जा साडा ते बचपन गुजरिया उन्ना नाल। ਇਹਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਮਹਿਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਸ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਟੁੱਟੇ ਭੱਜੇ ਬਾਬੇ ਤੁਸੀਂ ਛਦਰੇ ਤੋਂ ਬੁਲਾ ਲੈਨੇ। ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ ਤੋਂ ਆਈ ਆ। ਲੜਦਾ ਲੜਦਾ ਰਹੋ ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜੈਨੀਫਰ ਲੋਪੈਸ ਸੇ ਕਮ ਨਹੀਂ ਹੂੰ। ਹਲਾ ਬੁੱਤੀ ਸਾਹਿਬ ਆਈਏ ਬੈਠੀਏ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਇਦ ਤਾਲੀਆਂ ਵਾ। ਨਾਜ਼ਮ ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਮਹਿਮਾਨ ਜੋ ਹੈ ਨਾ वो दुबई की बड़ी इंटरनेशनल मॉडल है, बड़ी फेमस मॉडल है और खास हमारे शो के लिए आई है। तशरीफ लाती है सारा शरीफ। हाथ पड़ के लाया डिग पैंदी है। इंसान दा आदमी दा फर्ज है औरत नु हाथ पड़ के एलिगेंस दिखाना। आप जैसे लोग अलग है जब वो हाथ पकड़ते हैं तो इनके दिमाग में कुछ नहीं होता। सारी ये गल्ला छड़ आ एलिगेंस करी। अच्छा नहीं फिर जियो। क्या मुसीबत है? मैं नहीं पता क्या कल तेरी एंट्री हुई ना मैं तेरा हाथ इंजी फाड़ के लेना ये पट्टी साहब सारा दा फड़ के ले। देख लिया ओ ते कपल है तू ते डंगर है तू डुब के ही मर जा दूर फिटे मुंह तेरा। सारा क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूं। आप क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। ये भी बता दूं हम लोग 20 साल पुरानी सहेलियां हैं। 20 साल? हां उसमें से 10 माइनस कर दो। वाह 20 साल पुरानी तुझे सहेलियां ते 35 साल दिया तो तुसी होंगी। मैं इतनी देर से मैं तो मैटर से पैदा हुए तब से हम दोस्त हैं। जी पैदा होंदा ये ना फीटर से मैं गया एक दूसरे की दोस्ती मंगी यार बड़ी बात है। और देखो आज भी मिले तो दोस्ती वैसी सलामत है। आइए आइए भट्टी साहब अपनी कहानी जरा अपनी जबानी सुनाइए अपने देखने वालों को। बस्तामी रोड पर टूटी हुई चप्पल पहनकर घूमने वाला एक नौजवान लड़का इतना बड़ा इंटरनेशनल डिजाइनर कैसे बन गया? क्या कहानी है जरा सुनाइए ना। ये सब चीज़ें जो है ना ये अल्लाह मियाँ आपके हाथ पकड़ता है लेकिन अल्लाह मियाँ कहता है मैंने तुझे ये सिर भी दिया है और ख़ुद तो इंटेलिजेंट बन। अल्लाह ने आपको बना दिया है, सर दिया है, दो बाजू दिए हैं, दो टांगे दिए हैं। अल्लाह ने कहा देखो मैंने तुझे इतना खूबसूरत बना दिया जा अपना रिजल्ट जाके खुद ढूंढ। अरे वाह। बस्तामी रोड से मुझे याद है जब मैं साइंस कॉलेज भी पढ़ने के लिए जाता था इछरे जाके मैंने रुकना वहाँ पे बसों को पैसे ना देने पैसे नहीं होते देने के लिए और स्पंज की चप्पलें पहननी वो टूटी हुई चप्पलें होती थी। हमने आगे लड़कियों के गेट से जाना कोई पकड़ने लड़ाइयाँ फजूल करनी सब चीज़ें करनी लेकिन ये सब चीज़ें जो ना एक लाइफ में एक होती है लिमिट आदमी को लिमिट पे चलना चाहिए। मुझे याद है जब फर्स्ट टाइम मेरी वाइफ यहाँ पे आई ना तो मुझे कहती बात सुन तू मुझे दिखाया ज़रा तू कहाँ पे बड़ा हुआ है। मैं उसे दाता साहब ले गया। एक बच्चा 10 साल का ना वहाँ पे क्रिकेट खेल रहा था उसने चप्पलें नहीं पहनी हुई थी। मैं कह ये देखा ये मैं था पहले दाता साहब से निकले हैं तो लंगर ले रहे थे वहाँ पे ना क्योंकि वो मैं दे गए मैंने भी दी तो वो लंगर ले रहे थे बच्चे हैं ना वहाँ पे। मैं कह ये देखा ये ऐसे खाने मैं खाता था। अरे वाह। तो ये इंसान को ना अपनी ज़िंदगी में माजी को नहीं भूलना चाहिए। भट्टी साहब बिल्कुल आप कितना देखें आपने कितनी मेहनत की 20 साल पहले आप क्या थे और आज आपने कितनी अपनी मेहनत से अपने आप को क्या बना लिया। वैसे ही हमारे बाबा की मिसाल है आज से 20 साल पहले ना बेचारा टूटी हुई जूती पहन के गलियों में घूम रहा होता था और आज भी माशाल्लाह वैसे ही है। हमारा चाचा 20 साल पहले 20 रुपए कमाता था और आज
बहुत मुश्किल से 120 रुपए तक पहुंचा है। ये तो मेरी कमाई है ना, तो चाची की भी कमाई थे 10। और हमारी फिजा बचपन में भी अचार मांग के रोटी खाती थी, आज भी उसी तरह खा रही है। बुरी बात क्या है बाबा इसमें? बुरी बात मांगना। मलकी सुन लो, नाल पे थोड़ी सी हलीम डलवा कर घर जाके 2 घंटे खुशी से नाचती रहती है। अच्छा सारा आप भी बताइए, दुबई के ब्रांड्स की जो आप शूट करी होती हैं उसमें और पाकिस्तान के ब्रांड्स की जो आप शूट करती हैं उसमें क्या फ़र्क देखती हैं? मुझे लगता है कि वो इंटरनेशनल लेवल से ज़्यादा क्लोज हैं। मोस्टली अरबिक डिज़ाइनर्स तक मैंने काम किया हुआ है वहाँ पर, तो उनका काम का तरीका और पाकिस्तानी हमारा शलवार कमीज़ उड़ाती है जो कि बिल्कुल डिफरेंट है। दोनों के अपने मज़े हैं, लेकिन ऑफकोर्स ज़्यादा क्योंकि मैंने अरब डिज़ाइनर से काम किया हुआ है तो मज़ा आता है। बट भट्टी के जब इतने प्यारे प्यारे ड्रेसेस आप पहने तो उसका तो मज़ा ही कुछ और है। अरे वाह क्या बात है। जब आप शूट कर रही होती हैं तो क्या फ़र्क पाती हैं, वहाँ पे ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म है या फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म है, क्या आपको लगता है? काम दोनों जगह अच्छा है, लेकिन ऑफकोर्स क्योंकि अब तो पाकिस्तान भी इंटरनेशनल मार्केट को कम्पीट कर रहा है जी, थोड़ा सा ज़्यादा आप लगते हैं प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा है। इवन आप कभी इंडियन एक्टर्स के साथ या उनकी कोई प्रोडक्शंस देखें तो डेफिनेटली और ज़्यादा मतलब मार्केट बड़ी है उधर की। हाँ मार्केट बड़ी है, काम करने का तरीका। आपने एक वीडियो भी तो किया ना कि इंडियन सिंगर जो है उनके गाने में एज ए मेन मॉडल, बताइए उस गाने के बोल क्या है? उस गाने का नाम है ओ कैंदी नाना। ओके उनका ब्लैक सूट पहन के उसमें वॉक शॉक कर रही है टक्शन से, बड़ा अच्छा वीडियो है। बिल्कुल कोरोना हिट करने से पहले ही लकीली हमारे लिए कोई SOPs नहीं थे, कोई मास्क नहीं था उस वक्त, तो काफ़ी हमने इंजॉय किया वो शूट। क्या बात है, लकी यू। थैंक यू। गाना आपने वायरल कर दिया उस बच्चे का। थोड़ी एडेडे मुल्कान जानती है, तुम्हें कोई मरीज के वगैरह गई के नहीं? लो इन्हों का की गाना वायरल होना, जो ताड़ी चाची का गाना वायरल है। चाची का कोई गाना वायरल हुआ? लो ताड़ी चाची का ही तो है ही, हमारी बारी हो रही है। चाची का गाना वायरल नहीं होता, उधर किससे वायरल होते हैं? वो भी लोग की एक दूसरे कन्ना जी सुना सुना के हंसते ने। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो तारों से करें बातें। आप पेरिस में जाके कोई और काम भी तो कर सकते थे, फिर आपने जाके वहाँ पे ड्रेस डिजाइनिंग क्यों की, डिजाइनर क्यों बने? वो काफी देर पहले पेरिस, इतना लाइफ इतनी इजी नहीं हो जाती वहाँ पे, वो मेरा इंतजार कर रहे हैं क्योंकि जब वहाँ पे आप जाते हैं आपके पास पैसे नहीं होते, घर नहीं होता, आप अंडरग्राउंड मेट्रो में रहते हैं, -10 टेम्परेचर होता है, शूज़ के अंदर पानी आ जाता है, खाने के लिए आप गार्बेज ढूंढते हैं कुछ मिल जाए खाने के लिए। फिर मुझे एक ऑफिस में मिला था जो सारी ये दुनिया को पता है, उस सफाई का काम मिला था, तो वहाँ पे ये फैशन का काम हो रहा था। जब सफाई का काम मिलता है ना ऐसे लगता है जैसे आपको ना प्रेजिडेंट बन गए मुल्क के ना, मतलब काम एक जॉब मिलने भी बड़ी एक चीज़ होती है। बड़ी बात है, तो उस काम में भी इतनी खुशी होती है। बिल्कुल खुशी तो होती है। इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ कि आप डिजाइनिंग का, आपका सेंस कैसे पैदा हुआ? वो नहीं, वहाँ पे चीज़ें बन रही तो मैं देख रहा था कैसे लड़कियों की चीज़ें बन रही हैं सफाई करते करते, फिर वो आस्ते आस्ते मैं सेलमैन बन गया। फिर मैंने 2 साल बाद अपना ऑफिस शुरू कर लिया भट्टी के नाम से, तो वो फिर आफ्टर 4 ईयर 5 ईयर आई हैव 600 पीपल वर्किंग माय ऑफिस। साडा बाबा भी ना एक बैंक च मैनेजर लग गया। अच्छा हाँ अल्लाह दा शुक्र है आज कल उत्थे ना सफाई करदा है। और पता क्यों सफाई ते लाया उन्होंने? उसे बैंक च चोरी की थी, उन्होंने कहा इत्थे सफाई कर चल। निर्मल भी एक परस च बड़ी वड्डी एडिटर सी, माशाल्लाह अजकल उहदे कागज़ चुनदी आ। तरक्की बंदा इंज नहीं करदा। साडा बाबा बहुत वड्डा ट्रांसपोर्टर सी और अजकल 3 पहियां वाली गड्डी ते बह के कर रहा है यल्ला। बंदा एवं नहीं तरक्की करता। साडे चज दा बड़ा वड्डा शोरूम सी, माशाल्लाह अजकल उत्थे गड्डियां धोंदा। चाचा भी छोटी छोटी तरक्की करता इस जगह तक पहुंचे हैं। अच्छा ए पहले सुनियारा हुंदा सी ते आजकल इशारे ते खलो के ना बीमारी दे छल्ले बेचदा है। सारा आप बताइए अपने आप को मॉडलिंग तक ही महदूद रखना चाहती हैं, फिर आगे आप एक्टिंग भी करना चाहेंगी, फिल्म्स भी करना चाहेंगी, ड्रामे भी, और आइटम तो आप हैं ही, लगती हैं आइटम, तो आइटम सॉन्ग में भी कुछ नंबर परफॉर्म करना चाहेंगी आगे? जरूर। अच्छा बताए ना फिर, तो किस किस्म का रोल करना चाहेंगी, किस किस्म का कैरेक्टर ड्रामा या फिल्म में? चुलबुला सा हो,
आई लाइक इट बट आई थिंक सीरियस कैरेक्टर्स भी ज्यादा अच्छे होते हैं. Really? वो रोने धोने वाले नहीं, रोने धोने वाले नहीं, कोई इंटेंसिटी वाले ज्यादा हो, कोई एक्चुअली मैटर. ज्यादा कैरेक्टर्स हिट होते हैं जिसमें उनके ऊपर बड़ा तशद्दुद हो रहा हो, रो रही हो, धो रही हो, उसमें आवाम की बड़ी सिंपैथी मिलती है, व्यूशिप मिलती है. तो वो वैसे कैरेक्टर नहीं करने. नहीं, सिंपैथी मिलती है, लेकिन औरत को इतना भी मजलूम नहीं दिखाना चाहिए, बिकॉज आजकल की औरत कोई मजलूम नहीं. अरे वाह, क्या बात है, रियली स्ट्रांग. क्या बात है, गुड गुड. यस यस यस, मैं तुम्हें अपनी फिल्म में हीरोइन कास्ट करूंगा. यही कह कह के इसने अपनी बीवी की शादी की मूवी ना तो केबल पे चलवा दी थी. गल करम दया कर, हर वेले हम तेनू प्यार करते रहिए. ले दसो आगे. बाबी नू इन्हें फिल्म का ही चक्कर दिता सी. अच्छा? कि तेनू फिल्म च कास्ट करांगा. निकाह कर लिया उन्हें, कह की कहना फिल्म बन रही है ना. बाबे ने बाबी नू बड़ी वड्डी गेम सुनाई सी. केड़ी? कहंदा तू एक मजलूम बीवी दा रोल करना है, जिदा खावन टका नहीं कमांदा, तू फिर भी गुजारा करना है. उन्हें कहा चलो ठीक है, कितने होएगी शूटिंग? कहंदा मेरे घर. और गेट ते सीसीटीवी कैमरा ला के ना उन्हें कहंदा फिल्म तेरी बन रही है, तू घर का काम करेगा. का. फिल्म का चक्कर दे के रात नू ओदे कोलो दो गाने करा के सोंदा सी. और सीसीटीवी कैमरे के सामने जाके उन्हें कहता सी नाचो तुम्हारी फिल्म बन रही है. जब तो बाबी उन्होंने कुटना होंदा सी ना तो बड़ा चला के उन्हें कहता सी मजलूम बीवी का रोल है ते तेनू बड़िया चपेड़ा पैनिया ने, तैयार हो जा. और कमरे जाके नहीं कुटता सी, सीसीटीवी कैमरे के सामने जाके कुटता सी. कहिंदा बोली ना तेरा रोल खराब हो जाएगा. वो ते बाबी नू 20 22 साल बाद पता चलिया के ए फिल्म बना नहीं रहा, मैनू फिल्मा सुना रहा है. ओ बाबी नू पता नहीं सी लगना, ओने तंग आके एक दिन इनू क्या चवला रिकॉर्डिंग कराई जाने, रिलीज कदों होनी है? कहिंदा कदी ना कदी तो होएगी, तू चुप करके ना सीन करी जा. पांच बच्चे इन्हें कर ले, फिल्म रिलीज नहीं होगी. जो तो बाबी कहती रिलीज कर, कहता हले वाइंड अप रहा है. एक दिन बाबी कहती वाइंड अप है कि कहता तेरे जनाजे च मुकनी है. सारा तुम इस फिल्म का अगला सीक्वल करोगी? तौबा बिल्कुल नहीं. नाकाम डांसर, इधर क्या लेने आई हो? किससे अपना इंतकाम लेने आई हो? फिजा साडे मसले च ना बोली. क्यों? एक पास इंटरनेशनल डिजाइनर ते एक पास इंटरनेशनल मॉडल. ले तो फिर लिख ले, आज इंटरनेशनल बेइज्जती होने वाली है तीनों की. बेइज्जती होए तेरी, साडी क्यों बेइज्जती होए? लगता है इन्नी कोड़ी दवाई पीती है. नहीं नहीं, दो मॉडल ने तो एकदम मैदा खराब है. और परली का वड्डा मुंडा जेदा भी खराब है. ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਾਂ. ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਪੈਲਸ ਦੀਆਂ ਮਾਡਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪੈਰਿਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਮਾਡਲਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਨਾਲੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ, ਤੂੰ ਮਾਡਲਿੰਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੇ. ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੈਲਸ ਹੈ. ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ. ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਟਾਈਮ ਭੁੱਲ ਗਏ ਜਦੋਂ ਬਸਤਾਮੀਰ ਹੋਣ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਬਾਹਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦੇ ਸੋ. ਆਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਝੂਠ ਆ, ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਬਾਹਾਂ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਸੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ. ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਾਸਟ ਫੂਡ ਖਾਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਲੱਭਿਆ ਲੈ ਲਿਆ. ਵੇਖੋ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਮਾਡਲ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਡਲਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ. ਸਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੈ. ਅਸਲਮ ਕੜੇ ਕਰਾ ਨਥੀ ਰਿਹਾ ਵੀ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਹਿਰਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੇ. ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨੇ ਹੀ ਜਿੱਤਣਾ ਬਾਜੀ. ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ. ਹਾਂ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਡਲ ਤੇ ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦੀ ਮਾਡਲ. ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਅਫਰੀਕਨ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਅਫਰੀਕਨ ਬਾਂਦਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ. ਅਗਰ ਅਫਰੀਕਨ ਮਾਡਲ ਬਣਨਾ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਾਲਾ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ. ਇਸ ਤੋਂ ਕਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ. ਇਹ ਜਦੋਂ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨੀਲੀ ਕਾਲੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ. ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦਫਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਡਰੈਸ ਕੀ ਦਿਓਗੇ? ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਡਰੈਸ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦਵੋਗੇ? ਅੱਛਾ ਸਾਰਾ ਤੁਮ ਬਤਾਓ, ਮੇਰੀ ਬਿਊਟੀ ਸਿਰਫ ਜੈਲਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ. ਅੱਛਾ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਵੱਡੀ ਮਾਡਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮਾਡਲਾਂ? ਵੱਡੀ ਮਾਡਲ ਵੀ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਗਾਣੇ ਵੀ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ,
उन मेकअप करना आंदा है, उन कपड़े पहनने आंदे ने, सब कुछ करना आंदा है। तो फिर साढ़े ना मुकाबला करा लो। कदों? हुणे ही। तो सबसे पहले यहाँ पर मॉडलिंग करने के लिए आ रही है इंटरनेशनल मॉडल सारा। अब सारा का मुकाबला करने के लिए आ रही है हमारी मॉडल नीरा सारा। ਜਿਸ ਵੀ ਕੈਟਵਾਕ ਤੇ ਗਈ ਨਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਈਏ ਇਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧਰੂ ਕੇ ਇੰਜ ਕੱਢਣ ਦਿਓ ਜਿਵੇਂ ਟਰੱਕ ਥੱਲੋਂ ਕੁੱਤਾ ਕੱਢੀਦਾ। ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਡਲ? ਮੇਰੀ ਮਾਡਲ? ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਬਾਜੀ? ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜੋੜੀ ਕੈਸੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਵੇਖੋ। ਮੈਂ ਇੱਟਾਂ ਪਹਿਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸਭ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿੰਟਾਂ ਮਾਰਨਗੀਆਂ ਆ ਕੇ। ਚਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੱਜ ਰਹੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕੋ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੱਦ ਤੋਂ ਨਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਫੈਸ਼ਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ। ਹਾਏ ਕਿਉਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ? ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਗਿਫਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਯੂਰੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰਪ ਚੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉੱਥੋਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ? ਯੂਰੋ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਆਏ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ 500 ਯੂਰੋ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਣੀ। ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾ, ਦੋਨੇ ਚਲੇ ਜਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਦੂਰ। ਯੂਰੋ ਤੇ ਦਿਓ ਨਾ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ। पैसे देते ने ना, हुण दसो असीं की करिए। मेरी जिंदगी चो दफा हो जाओ। चलो वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो तारों से करें बातें। भट्टी साहब जरा स्क्रीन पर देखेगा, यहाँ पर मैं खूबसूरत तीन प्यारी प्यारी मॉडल्स आपको दिखा रही हूँ, हसीन चेहरे। आपने मुझे ये बताना है कि कौन सी ऐसी मॉडल है जिसके साथ इनमें से आप उनके साथ पहली फुर्सत में शूट करेंगे, दूसरी ऑप्शन जिसके साथ फुर्सत मिलेगी तो शूट कर लेंगे, तीसरी ऑप्शन वेला टाइम होगा, फ्री टाइम होगा, उसके बावजूद भी आप शूट नहीं कर पाएंगे। तो पहली ऑप्शन बता दीजिए, पहली फुर्सत में किसके साथ शूट होगा? जो दरमियान वाली लड़की है ना, हाँ, शी इज ब्यूटीफुल, इसके साथ। कौन है ये? आई डोंट नो, नाम का नहीं मुझे पता। आई एम सो सॉरी, अगर कोई टीवी पे मुझे देख भी रहा ना तो माइंड ना करे, मैं माफी चाहता हूँ। बिल्कुल तीनों का नाम का नहीं पता, क्योंकि मैं यहाँ पे होता नहीं ना, इसलिए ना। आई एम सो सॉरी।
ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਜ਼ਾ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਨੋ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਅੱਛਾ ਚਲੇ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਆਪ ਪਹਿਲੀ ਫੁਰਸਤ ਮੇਂ ਕਾਮ ਕਰ ਲੇਂਗੇ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਜਬ ਆਪਕੋ ਫੁਰਸਤ ਮਿਲੇਗੀ तो सुकून से आप फिर उसके साथ काम कर लेंगे किसके साथ शूट करेंगे फुर्सत मिलने के बाद ये जो जिसने रेड क्लोज पहने हुए हैं ओके ठीक है और आप... मैं ये चीज़ें देख रहा हूँ इस चीज़ों का क्योंकि ये मेरी जॉब है ठीक है ना तो इसको मैं देख रहा हूँ वो लड़की के आईज उसका नोज उसके हेयर वो कैसे उसका फेस कैसे बना हुआ है ये चीज़ें मैं इसलिए आपको ये मैं बता रहा हूँ फिर इनके साथ आप काम कर लेंगे जो शॉकिंग पिंक सेकंड वन शरारे में और जिनके साथ आप काम नहीं कर पाएंगे वो ब्लैक वन तो इन्होंने कहा है कि मैं इमान अली के साथ पहली फुर्सत में काम कर लूँगा और मैं अयान अली के साथ फुर्सत मिलेगी तो काम करूँगा और जो तीसरी मॉडल है जो मेरी बहन नादिया हुसैन है जिनको मैं बहुत पसंद करती हूँ तीनों को पसंद करती हूँ फ़ैन हूँ तीनों की वो कह रहे हैं नादिया हुसैन के साथ मैं कभी भी काम नहीं करूँगा और मैं अपना शूट कभी भी नादिया हुसैन के साथ नहीं करूँगा अब आप नादिया ज़रा अपने शूट्स भेजने के बाद इनसे पूछिएगा कि मैंने ऐसा आपका क्या बिगाड़ा है और मैंने कौन सा आपका शूट ख़राब किया और मैं कौन सी ऐसी मॉडल हूँ जो आपको पसंद नहीं आई हूँ मेरा काम तो देखें आपको पता चलेगा कि मैं कितनी अच्छी मॉडल हूँ ज़रा बताइएगा सारा मैं आपको कुछ पाकिस्तानी फेमस एक्ट्रेस की तस्वीरें दिखाऊँगी बहुत आसान सवाल है ये स्क्रीन पे देखिएगा आपने मुझे सिर्फ इनके नाम बताने हुमायूं सईद फहद मोहम्मद रानो एंड दानिश तैमूर ओह माय गॉड चले जी पहली स्टेज तो पार हो गई है अब आगे चलते हैं अब आपने मुझे इनका एक एक ड्रामा बताना है या कोई ऐसे कैरेक्टर जिस जो बहुत फेमस हो इनके अच्छा जो कोई काम इनके मेरे पास तुम हो फहद का बताइए जी फहद की वो मूवी आई थी कौन सी थी वो पैसों के ऊपर थी कोई हाँ 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 वही 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 ना मालूम अफराद बाबा उस वक्त से डर जब तेरी बीवी तुझे घर से निकालेगी गोता खा के बेहोश कहीं मरा पड़ा होगा ना तो लोग कहेंगे ना मालूम लाश मोहम्मद अनस साहब की कोई फिल्म या कोई ड्रामा लव लाइफ लाहौर आखिरी जो खूबसूरत सा एक लड़का है नौजवान गोरा चिट्टा तो ये जो दानिश तैमूर है इसका कौन सा फिल्म में ड्रामा है मैंने देखा जरूर होगा लेकिन मुझे नाम नहीं याद लेकिन इनकी मिसेज उसमें थी ड्रामे में मेरे पास तुम हो में एंड व्हाट अ ब्रिलियंट एक्ट्रेस शी इज बड़ी बात है बड़ी बात है इसने कहा है कि जो आयजा खान है उसका मियां ये दानिश तैमूर साहब मैं आपसे मुखातिब होना चाहूंगी मेरे भाई मेरे पास यहाँ पर इंटरनेशनल मॉडल बैठी है सारा शरीफ वो ये कह रही है कि ये वो है जो आयजा खान की मियाँ हैं आपका नाम नहीं जानती आपका काम नहीं जानती आपको देखा नहीं बस ये कह रही है ये वो हैं जो आयजा खान की मियाँ हैं मैं तो दानिश तैमूर आपके ड्रामे का नाम पूछा था और ये आपकी बीवी का नाम बताओ कि तो आपको मेंशन कर रही है देखिए हैशटैग सारा शरीफ सॉरी सॉरी दानिश तैमूर आपने काम बहुत अच्छा किया लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा इसलिए ऐसे दौड़ के आते जैसे इनके पीछे कुत्ता पे है एक दिन मैंने से पूछा क्या हुआ तुम लोग के पीछे कुत्ता पे है कहता हाँ मैं इत्थे पे है कुत्ता इत्थे पे है कितनी सोहनी है फिदा 12,000 दा सूट पाया तो गल की कर रही है कुत्ता इधर पड़ा था मैं इधर पड़ गई अच्छा यहोजी कुड़ी फुल तैयार हो गई कुत्तिया मगर फिरती रही है जे पुछो ना की गल है कहूगी किताब लिख रही है कुत्ते आ लो जी हाय हाय पहले मैं कुत्तों के पीछे फिरती थी अब तो ये मेरे पीछे फिरते हैं ओए क्यों है तो पीछे फेरना तू वो मेरे तो आगे हो ना इधर पहले भी तो तुमने किताब लिखी थी मेंढको पे डटे आलो जी बाबा पहले पुलिस सी ते अपने नाल दे ना पुलिस वाले नु दस रहे कहानी सुना रहे कहना मेरे थाने च एक खतरनाक मुजरम आया मेनू कहना मैं तेरे थाने चो दौड़ जाना कहना फिर कहना दौड़ गया पहले डॉक्टर ना ना मौला जट मैंने उन्हें कहता आज मैंने बड़ा जबरदस्त ऑपरेशन किया मैं कहा मरीज का की बिना कहना नहीं वो तो मर गया बाबा कहना मैं बड़ा वड्डा ट्रांसपोर्टर हाँ मैं क्या गड्डिया केड़िया कहना गड्डी कोई नहीं बंदा चुक के छड़ गया होना मौला जट मैंने कहना मेरी बड़ी वड्डी कोरियर सर्विस है मैं क्या किन्ने को बाइकी रखे ने कहना बाकिया कोई नहीं रखा कोई समान हो ना ताड़ी पर जाई ते सिर ते रख के ते छड्ड आउना अब बाबा मोटरसाइकिल ते आ रहा ते ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोकया कहना कागज वहा को गुंगा बन गया बह जा लै लै ओ कहना चल जा कहना शुक्रिया उन्हें फिर फाड़ लिया अच्छा चाचे भी मल्ले जो बड़ी बार पई ओ क्यों महीना पूरा मल्ले जो मांगदा रहा कहना तुहाडी चाची अस्पताल दे उन्होंने मल्लेदार ने जाके देखा तो उधर नर्स लगी अज तो लियाकू बट पैदा तो अखबारों च खबर आई है जिस बात का डर था वही हो गई बाबा भी अखबारां सुटदा सी घरां दे विच अच्छा एक घरों बड़ी मार पई इहनू क्यों उहनां घर पिछले साल दी अखबार सुटी जावे बाबा पुलिस दे विच ही ते होर कोई नहीं लभदा कूड़े वाला ट्रक घेर बैठा
ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਾਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਾਨ ਲਾ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਓਏ ਉੱਧਰ ਵੇਖੋ ਮਹਿਮੂਦ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਪੈਰਿਸ ਤੋਂ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬ੍ਰੈਂਡਡ ਲਾਚਾ ਕੁੜਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟ ਪਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਧੋਤੀ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਲਟਕਾ ਲਈ ਪੂਰਾ ਮੱਲਾ ਇਸਕੋ ਕਹੇ ਓਏ ਸੁਪਰਮੈਨ ਸੁਪਰਮੈਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਤੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਆਂਦਰੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਦੇਖੋ ਦੇਖੋ ਐ ਮੌਲਾ ਜੱਟ ਵੀ ਢਿੱਡ ਤੇ ਤੋਲੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਓਜੜੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਹਲੇ ਆਖੂ ਬਟ ਗਈ ਸੀਨੇ ਤੇ ਵਰਖਾ ਵਾਲੀ ਟਾਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤਾਂ ਹੋ ਮੇਰੀ ਕਲੇਜੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਐ ਬਾਬਾ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਲੋਟਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਾਥੀ ਕਹੋ ਐ ਸਾਡੀ ਚਾਚੀ ਵੀ ਨਾ ਗੁੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੰਭ ਬੰਨ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਛਿੱਤਰ ਮੁਰਕ ਕਹੋ ਐ ਫਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕੋ ਬਾਤ ਕਰਦੀ ਪਾ ਪਾ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਹੋ ਐ ਮੋਲਾ ਜੱਟ ਵੀ ਨਾ ਵਾਜਾ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵਾਜੇ ਵਾਲਾ ਕਹੋ ਓਏ ਉਧਰ ਵੇਖੋ ਮਾਡਲ ਵੀ ਆਈ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਓਏ ਸਾਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਹੁਸਨ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ ਐਡੀ ਮੇਰੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ एक बंदा ना एक दिन मरा हुआ कुत्ता अपने साथ खींच के ला रहा था मैंने कहा ये कैसे यहाँ पर आ गया कहता इसको मेरा हुस्न खींच के लाया है सारा तुम चाहती हो पाकिस्तान में भी इतनी मशहूर हो जाओ जितनी दुबई में हो आज मैं शो में आई हूँ तो मशहूर तो हो जाऊंगी सारा तेनू मेरे ना फोटो शूट करवाना पड़ेगा फिर मुझे मशहूर नहीं होना ऐसा फोटो शूट कैमरे नाल नहीं होता कैदे नाल होता बंदूक नाल होता पहले एक बंदा ऐसी फोटो खींचता है फिर इन शूट करता और ऐसा चवल है जख्म तो थोड़ा जिना चिकड़ मल के ना सही होके फिर उठ पैंदा सारा बताओ तुम मेरे साथ मॉडलिंग करोगी कहां मॉडलिंग करोगी गंदे नाले पे नहीं नहीं हुन ओ गल्ला नहीं रहीयां आजकल ना रूड़ी ते फोटो शूट करदा है ओ नहीं नहीं रूड़ी वाली गल पुरानी हो गई है खाली पराठा जेड़ा पानी नहीं खड़ागा ओथे चिक्कड़ ते जाके फोटो शूट कराऊं सारा बताओ मैं ना ही समझूं फिर बिल्कुल इनकार है ठीक है तुम अपना कैरियर नहीं बनाना चाहती तो ठीक है वैसे बंदा बड़ा लकी है इसीलिए हमने इसका नाम लकी डिया रखा है इसको ना कूड़े में से भी सही जूस का डब्बा मिल जाता है वेरी लकी एक दिन छत के उत्ते सुता पिया तो 150 कां इकट्ठा हो गया मैं कावां नूं पुछया की होया कहिंदे साडा नाज़म मर गया ऐदे पिछे ते मैडम सहमा ने गाना गाया है उड कोठे उत्तों कावां वे तू जावें ते मैं खावां वे बड़ा ही कोई हसाया बैठ के रुला भी लो आ जाओ नाज़रीन सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें और हमारे शो पे होती है कुछ अजीब व गरीब खबरें आज कौन कौन सी खबरें हैं निर्मल के पास सुनते हैं मुन्नी बदनाम हुई गाना बरतानिया के स्कूल के निसाब में शामिल कर लिया गया जेड़े स्कूल दे निसाब च गाना गया मुन्नी बदनाम हुई तेरे लिए ओदी पढ़ा उस्तानी कौन है कौन है साडी चाची चाची सवाल कर दी बच्चिया नु बच्चों बताओ मुन्नी बदनाम किसके लिए हुई वो कहते सानू मुन्नी दा ते नहीं पता पर ताड़ा पता है कि तुसी चाचे लिए बदनाम होए हो चाची नु इन्हें बड़ा बदनाम भी किया ते दलील भी किया है आप टगा नहीं कमाया तो इल्जाम लाउंदा रहा तू साडे लखा खा गई भाई चाची एक दिन इन्हें कह रही थी मैं जदों दी होई संभाली मैं तो तुहाडियां सौवां नहीं वेखियां तो लखा कित्थों खा गई और क्या खबर है वो सच बोलती हूँ जो दूसरे नहीं बोलते मथीरा मैं आज तो बात झूठा ही ठीक क्यों मथीरा जो सच बोलने लग पई बाबा तू डर तेनू बाबी ने छित्तर मारने नहीं ओ क्यों मथीरा जो सच बोलने लग पई है ला भी बाबा याद की तेनू 20,000 दा बिजली दा बिल आउणा ही क्यों क्यों मथीरा जो सच बोलने लग पई दो बंदे ही ते पाकिस्तान च सच बोल रहे ने कौन कौन है एक मतीरा ते दूजे सियासतदान मैनू लगदा मतीरा दे भी हुण टिंड हो जानी हो गई क्यों सच बोलन लग पए बाबा मतीरा दी टिंड होगी ना सेम तेरे वर्गी लगेगी और ताडी जोड़ी भी बड़ी अच्छी लगेगी ओ मतीरा ते तेरा ठीक नहीं वतीरा अगली खबर क्या है बरतानिया में दफ्तर से छुट्टियां करने के लिए अगवाकार का ड्रामा रचाने वाले शख्स को कैद की सजा सुना दी गई ए सेम साठे चाचे वाली हरकतां हो गए मैं ए ऐसा चवल बंदा जेड़े मल्ले जेते ते काफी उधार चढ़ जाए ना ओ मल्ला ही बदल लेंदा जे उन्हें को बंदा जिन्हें को पैसे लेने इनू मिल जावे के साडे पैसे क्यों नहीं दा कहंदा तन्ने पता मैं 10 साल अगवा रहा चाची ने एक दिन अनु फोन किया के चवला कार आ मालक मकान गाला कटन दे है 3 महीने दा किराया देना ही ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵਾਂ ਅਗਲੇ ਮੈਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸੁੱਟ ਗਏ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਚਾਚੀ ਵੀ ਐਦੀ ਜਨਾਨੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਧਨੀਆ ਗੋਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਕੱਲੀ ਖਾਵਾਂਗੀ ਤਾਂ ਕੋਈ
शर्मिंदा नहीं आया? वापस आके कहंदा है कि हले तो उन्हें अगवा करना सी। मैं क्या जांदे जांदे धनिया गोश्त खा जावा? ऐ बाबे ने भी बाबी नू चक्कर दिता कि मैं अगवा हो गया। फिर ते फोन कराता अपने दोस्त को, उन्होंने इहदी उंगल कट के भेजी, कहंदी नहीं मैनू यकीन नहीं आंदा इहदी धौण भेजो। सुनो तुम लोग चाहते हो कि तुम लोग की बेइज्जती ना? हाँ जी। बाहर कोई चावलों की देग बन रहा है, जाओ जाके धमाल पाके चावल खाओ। आ जाओ भी, आ जाओ, आ जाओ। अच्छा है।